दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। और आज हम बात करने वाला हूं दुबई में कौन सी मुद्रा चलती, यानी कौन सी करेंसी चलती है, और हमारे भारत की एक रुपये की वैल्यू क्या है दुबई में, और 100 रुपये की वैल्यू क्या है दुबई में, और दुबई में जो दुबई की करेंसी उसकी वैल्यू हमारे भारत में क्या है। ये चीज़ें हम आपको दिखाने वाला हैं, बताने वाले हैं। ये काफ़ी नॉलेज वाले वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाओ, तो ऑल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आने वाले समय में वीडियो मिलता रहे। अब बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा हम बात करने वाला हूँ कि जो हमारा भारत की रुपया है, 1 रुपये की वैल्यू क्या है दुबई में, और 100 रुपये उसकी वैल्यू क्या है दुबई में, और दुबई में कौन सी करेंसी चलती है। तो दुबई में जो करेंसी चलती है वो चलती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, जो कि शॉर्ट में UAE से भी बताया जाता है, दिखाया जाता, दर्शाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके वैल्यू के बारे में। वैल्यू के बारे में बात करें तो भाई साहब हम क्या बताएं, बहुत ही नीचे स्तर पे है हमारा जो करेंसी है। अब यहाँ पर देखो, अगर उनका 1 रुपये है, 1 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम है उनके पास, तो हमारा जो इंडियन रुपीज़ उसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 20 रुपये 12 पैसे के आसपास में। करेंसी का हमेशा वो जो मतलब कि वैल्यू होता है नीचे ऊपर यानी कि डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पर अगर 1 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम है तो यहाँ पर जो हमारे भारत में जो वैल्यू निकल के आती है वो है 20 रुपये के आसपास में। और हम अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास 1 रुपये और 100 रुपये है तो उसकी वैल्यू कितना है, और उनके 100 रुपये है तो हमारे इंडिया में कितनी वैल्यू है। अब सिंपल से देखो, अगर हमारा 1 रुपये है तो दुबई में जो 1 रुपये में, जैसे हम 1 रुपये लेके जाते हैं दुबई में, तो हमारे जो दुबई करेंसी की वैल्यू होती है दुबई में, सॉरी हमारे जो 1 रुपये है उसकी जो वैल्यू है दुबई में वो आता है 0.0050 UAE, यानी कि हमारा जो 1 रुपये अगर हम दुबई लेके जाते हैं तो उसको वैल्यू होती है 0.0050 UAE, यानी 25 पैसे से बहुत कम। तो अब हम 100 रुपये से हम देखते हैं, अब 100 रुपये अगर हमारे पास है, ठीक है, अब 100 रुपये हम लेके जाते हैं दुबई में तो हमारा कितना बनता है वहाँ पर उनके करेंसी में, 4.97 UAE, यानी कि 5 रुपये के आसपास में बनता है, यानी कि यहाँ का 100 रुपये वहाँ 5 रुपये के बराबर, उनके 5 दिरहम के बराबर है। तो ये बहुत ही नीचे स्तर पे है हमारा करेंसी। और अब हम बात करते हैं अगर उनका 100 रुपये है, अब तो जैसे हमारा देखो, हमारा 100 रुपये है तो वहाँ पर 5 रुपये हैं उनके करेंसी में, और अगर हमारा उनका दुबई का 100 रुपये है, अगर हम दुबई के 100 रुपये लेकर आते हैं इंडिया में तो हमारा बनता है 2,011 रुपये 93 पैसे, यानी कि उनकी जो 100 रुपये है उसकी वैल्यू हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि नहीं फिक्स रेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि हमारी जो इंडियन करेंसी वो काफ़ी कमज़ोर है इस चीज़ को देखा जाए तो। बाकी यहाँ पर देखो सिंपल सा चीज़ें हैं और इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हो नेट पे भी। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी हमारी जो दुबई में कौन सी करेंसी चलती है, जाहिर सी बात है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, और इसकी वैल्यू क्या है हमने बता दिया कि 1 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम है तो उसकी वैल्यू है इंडिया में 20 रुपये के आसपास में, और 100 रुपये हैं तो उनकी 100 रुपये तो यहाँ पर 2,000 रुपये हो जाती है, और हमारा 100 रुपये तो वहाँ पर उनके 5 दिरहम के आसपास में होता है। बाकी सब ऐसे ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।